नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीबीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो सुमन इन दौरी की। कहते हैं ना कि शादी के बाद जो बहुएं होती है ना, उनका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाया जाता है, उनको मान सम्मान इज्जत प्यार लाड दुलार दिया जाता है। लेकिन देखिए जिस हालात में सुमन और तीर्थ की शादी हुई है ना, ये सब उसका नेगेटिव हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। न मान न सम्मान, न प्यार न दुलार, न गृह प्रवेश, और बस हो रही है सुमन की यहाँ पर सुमन के साथ बदतमीजियाँ और उसके साथ बुरा व्यवहार। ऐसे में देविका, जिसके अंदर पहले से ही सुमन को लेकर काफी ज्यादा गलतफहमी है, जो सुमन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है, ऐसे में उसको किस तरह से अपनी जिंदगी से आउट करना चाहती है, ये तो आप अच्छे से वाकिफ है। देविका के नेचर से वो चाहती है घर पर अपनी हुकूमत, और ऐसे में सुमन के आ जाने से उसकी हुकूमत खतरे में पड़ चुकी है, उसका पावर खत्म हो सकता है। और ऐसे में आपको बताते चले, देविका की चाल देविका पर तब भारी पड़ जाती है जब सुमन उसकी चाल का घर वालों के सामने भांडा फोड़ देती है। और यहाँ पर देविका समझ जाती है कि सुमन के सामने उसे बहुत चालाकी से रहने की जरूरत है। फिर भी टशनबाजी तो है जो दोनों को एक दूसरे को दिखानी है, और देविका जो है सुमन को अपनी टशनबाजी दिखा रही होती है। और इसी बीच सुमन भी कम नहीं है, सुमन भी अपने तेवर दिखाती है देविका को, और गुस्सा गुस्सी में देविका का हाथ उठ जाता है हमारी सुमन पर। तो सुमन भी उसके हाथ को अपने गालों तक आने नहीं देती है, हाथ पकड़ लेती है और उसकी बात का उसे करारा जवाब देती है। कि तभी वहां पर सुमन के सैया जी यानी कि तीर्थ भैया पहुंच जाते हैं, और तीर्थ जो है ना अपनी भाभी देविका को जो सुनाते हैं ना कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे, और अपनी पत्नी के लिए सेल्फ जो है स्टैंड लेते हैं, उसकी अपनी पत्नी के लिए वो खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं, अपनी भाभी के खिलाफ जाते हैं। जिसे देखकर ना देविका काफी परेशान है कि कहीं उसकी सत्ता खतरे में तो नहीं पड़ गया है। बिल्कुल परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि सच में उसका सत्ता जो है खतरे में पड़ चुका है। तो गाइस बहुत बेहतरीन और मजेदार ट्रैक होने वाला है, मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा।